हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, स्टूडियो में जो डार्क बैकग्राउंड वाला फोटो एडिटिंग है एकदम प्रोफेशनल लेवल का लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो ये आप लोग किस तरीके से कर सकते हो अपने फ़ोन के मदद से, मतलब जो फ़ोन आप यूज़ करते हो उसी फ़ोन के मदद से कुछ इस टाइप का एडिटिंग कैसे कर सकते हो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ अपडेट देता हूँ जैसे कि फोटो वीडियो, तो जाकर फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पर पिक्सट के अंदर आप लोगों को बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो भी कुछ PNG वगैरह यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो वीडियो देखने के बाद डाउनलोड करना, ठीक है भाई। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, बैकग्राउंड को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली चला जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है। और ड्रॉ टूल में यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो जो है यहाँ से ऐड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ अपना फोटो। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फोटो ऐड कर लिया हूँ, एंड कटआउट पहले से ही करके रखा था। एंड जिन लोगों को पता नहीं है कि कटआउट कैसे करते हैं HD क्वालिटी में, वो लोग मेरा पहला वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है कि कैसे HD क्वालिटी में कटआउट करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली ऊपर से यहाँ पर डन कर दूंगा मैं, एंड सिंपली यहाँ पर मैं पोजीशन कर लूँगा फोटो का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पोजीशन कर लेता हूँ जैसे किया था मैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं फ़ोटो का पोजीशन कर लिया था। तो आप लोगों को भी यहाँ से ऐड क्यों करना है मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ से आप लोगों को शैडो डालना होगा फोटो में, तो इसीलिए मैं यहाँ से ड्रॉ टूल में आने के बाद आप लोगों को ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ फोटो को। तो सिंपली आप लोग ड्रॉ टूल से ऐड करना, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद सिंपली बाहर एक क्लिक कर दो यहाँ से, और यहाँ पर लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, यार यहाँ पर एक न्यू लेयर मतलब एम्प्टी लेयर ले लेना है आप लोगों को, और जो एम्प्टी लेयर है आप लोगों को नीचे ले आना है कुछ इस तरीके से, एंड जो लेयर का ऑप्शन है आप लोगों को बंद कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को पेन का आइकन चूज कर लेना है। एंड ये वाला जो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये वाला टूल्स आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ओपासिटी आप लोगों को 4 या 5 तक रखना है, एंड साइज़ अपने मुताबिक से रख सकते हो आप लोग, एंड सेट कर देना है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर शैडो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लेग्स के नीचे यहाँ पर मैं शैडो डाल देता हूँ थोड़ा सा, तो ये डाल दिया। एंड यहाँ पर आप लोगों को नीचे डालना पड़ेगा कुर्सी के नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जल्दी से डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही गाइस देख सकते हो डाल दिया हूँ। एंड आप लोगों को अब क्या करना है, सिंपली लेयर के ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करना है, एंड ये वाला लेयर फिर से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है जिस वाले लेयर में आप लोगों का फोटो है, ठीक है। और फिर से बंद कर देना है आप लोगों को, फिर से अब उसके ऊपर पेंट करना है अब, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक कर दूंगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं कर लिया हूँ सिंपली। एंड आप लोगों को यहाँ से भी थोड़ा सा करना है, ठीक है, तो ये भी कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर आप लोगों को सिंपल और कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से कर देना है डन, ठीक है। यहाँ पर डन करने के बाद आप लोगों को अब जो PNG वगैरह था फ्लावर का और लाइट का यहाँ पर, और टेक्स्ट PNG, वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो से मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं तीनों PNG एक ही साथ ऐड कर लिया हूँ, आप लोग चाहे तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं एक ही साथ ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है मैं दिखा देता हूँ अब, ठीक है। तो सिंपली ये जो लाइट वाला PNG आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, एंड यहाँ पर लगाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जो ये रेड रोज़ वाला है यहाँ पर जो टेक्स्ट PNG, इसको यहाँ पर लगाना है। तो इसका जो ओपासिटी थोड़ा सा मैं कम करूँगा, यहाँ पर लगभग 85 रखूँगा, और जो टेक्स्ट PNG है इसको यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और लगा लेने के बाद यहाँ पर जो फ्लावर्स का PNG है गाइस देख सकते हो ये वाला, अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लगा देता हूँ, एंड यहाँ पर लगा देने के बाद आप लोगों को सिंपली गाइस क्या करना है, फ्लावर के ऊपर यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, एंड इरेज वाले टूल पर आना है, और यहाँ पर जो हार्डनेस है आप लोगों को फुल कर देना है, और ओपेसिटी भी फुल रखना है, और साइज अपने मुताबिक से आप लोग रख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना होगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैं इरेज कर लिया हूँ। एंड आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ऊपर से यहाँ पर डन कर देना है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो जाएगा आप लोगों का पिक्चर, एंड ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर डन कर देना है। और डन करने के बाद आप लोगों को फिर से एक PNG ऐड करना है, यहाँ पर ऐड फोटो से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये PNG ऐड कर लिया हूँ यहाँ से, और इसका जो ब्लेंड मोड है चेंज करके आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है,
और नीचे से आप लोगों को कुछ इस तरीके से लगाना होगा हल्का सा, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से पकड़ के, और यहाँ पर नीचे से हल्का करके कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। एंड लगाने के बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर से डन कर देना है। एंड अब आप लोगों को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर ड्रॉ टूल में आने के बाद आप लोगों को फोटो सेव कर लेना है। एंड इस फोटो को कलर एडजस्टमेंट करने के लिए ले जाना पड़ेगा यहाँ पर लाइट रूम के अंदर। तो चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ। एंड यहाँ पर आ जाऊँगा ऑल फोटो में। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस फोटो, इस फोटो को यहाँ पर मैं पहले से ऐड कर लिया हूँ। एंड आप लोग भी कर लेना गाइस। और यहाँ पर पहले आ जाने के बाद आप लोगों को सिंपली कलर वाला ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर मिक्स टूल, ठीक है। तो मिक्स टूल पर आ जाने के बाद सिंपली आप लोगों को ह्यू को कम करना है, थोड़ा सा सैचुरेशन डालना है। जिन लोगों को पता है वो लोग अपने मर्जी से आप लोग खुद कर सकते हो, एंड जिन लोगों को पता नहीं है भाई देख लो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ऑरेंज कलर में सैचुरेशन आप लोगों को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। और जो लूमियंस है आप लोगों को इंक्रीज़ करना है फेस को व्हाइट करने के लिए। तो यहाँ पर लगभग मैं यहाँ पर 55 या 50, यहाँ पर 50 में इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत व्हाइट हो गया है तो मुझे इतना ही चाहिए। एंड जो येलो है येलो का ह्यू थोड़ा सा कम रखूँगा, ठीक है। और जो यहाँ पर ग्रीन है ग्रीन का जो यहाँ पर ह्यू है ह्यू को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करूँगा और सैचुरेशन थोड़ा सा डालूंगा। और जो लूमियंस है लूमियंस भी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हो फ्लावर्स का जो यहाँ पर पत्ते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो गया है तो अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो ये हो गया है। एंड ये जो सियन कलर है सियन कलर का सैचुरेशन फुल डिक्रीज कर दूंगा। एंड जो ब्लू कलर है ब्लू कलर का भी थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, एकदम फुल नहीं, ठीक है, फुल नहीं गाइस, थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। थोड़ा सा बोलने के मतलब यहाँ पर मैं 80 डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है। एंड ये जो कलर है पर्पल यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है। तो ऊपर से मैं डन कर दूंगा। एंड यहाँ पर इस टूल में आ जाऊँगा, टेक्स्चर यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर लगभग 14 और यहाँ पर क्लियरिटी थोड़ा सा 8 और यहाँ पर डेज जो है डेज को थोड़ा सा डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज कर दिया हूँ गाइस। तो डिक्रीज नहीं, यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे ही व्हाइट हो गया है पिक्चर, तो इंक्रीज कर दिया हूँ। एंड विग्नेट थोड़ा सा यूज़ करूँगा यहाँ पर लगभग 50 यहाँ पर, ठीक है, 50 नहीं गाइस, सॉरी यार 15, ओके। और यहाँ पर इस टूल पर आ जाऊँगा, शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन जो डालता हूँ यहाँ पर गाइस, और यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन, ठीक है। और गाइस सिंपली आ जाऊँगा यहाँ पर इस टूल पर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा क्रॉप टूल यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देख लूँगा कि यहाँ पर कौन सा वाला मैच कर रहा है, जो यहाँ पर प्रीसेट मिलता है डिफॉल्ट प्रीसेट, यहाँ पर फ्लैट लिप शैडो या स्ट्रॉन्ग स्क्रब, जो भी आप लोगों के फ़ोटो में मैच कर रहा होगा थोड़ा सा भी तो उसको यूज़ करना, ठीक है। और इसको यूज़ करना ही करना है तभी आप लोगों का फ़ोटो में एक ग्लॉसी वाला लुक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये फ्लैट वाला अच्छा लग रहा है तो सिंपली यहाँ पर मैं ऊपर से डन कर देता हूँ। एंड जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है। तो इसको कम करने के लिए सिंपली आप लोगों को पता ही है गाइस क्या करना है, सिंपली लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 80 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो गाइस एक ग्लॉसी वाला लुक भी आ गया, दिखने में कितना यहाँ पर मक्खन लग रहा है तो ये आप लोगों को पता ही है भाई, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना एंड अपने फैमिली लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी कर पाए कुछ इस टाइप का प्रोफेशनल एकदम स्टूडियो वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो एडिटिंग है डार्कनेस फोटो एडिटिंग ये कर पाए, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।